हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ क्विक रिविजन लेक्चर नंबर टू लेक्चर नंबर वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो क्विक रिविज़न के एक सिंगल लेक्चर को देखने से कुछ नहीं होगा सारे लेक्चर्स देखोगे तो अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर फायदा होगा ओके okay? सो so, पिछले लेक्चर का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आपको दे दूंगा क्विक रिविजन लेक्चर नंबर वन का और ये लेक्चर्स देखने में आपको पहली लुक के अंदर बहुत छोटे लगेंगे कि पंद्रह मिनट का लेक्चर है बीस मिनट का लेक्चर है बट गारंटी देता हूँ आप यूट्यूब पे बाकी किसी से कंपेयर कर लेना किसी क्योंकि आप मल्टीपल चैनल्स को विज़िट करते हो ऐसा तो नहीं है कि आप एक सिंगल सोर्स को फॉलो कर रहे हो मल्टीपल सोर्सेज को आप फॉलो करते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर जो बीस मिनट का कंटेंट है और जो दूसरी जगहों पर आपको डेढ़ घंटा दो घंटे का कंटेंट मिल रहा है ठीक है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं सो दिस इज़ क्विक रिविजन लेक्चर नंबर टू एंड कोशिश करनी है कि साथ साथ मेरे चीजों को लर्न कर लें आप तो सबसे पहले पॉलिटी uh, को देखेंगे तो वेटो पावर जो प्रेसिडेंट की है वेटो पावर बेसिकली इंडिया के अंदर ये वेटो पावर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर इंडिया में बेसिकली आपके तीन टाइप्स ऑफ वेटो पावर आ जाते हैं एक एब्सोल्यूट सस्पेंसिव और पॉकेट तो तीनों टाइप के वीटो पावर्स का कॉम्बिनेशन जो है इंडियन प्रेसिडेंट के पास आपको देखने को मिलता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी विच टाइप ऑफ वोटिंग इज हेल्ड इन स्टेट असेंबली टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा स्टेट असेंबली राज्यसभा के मेंबरों को चुन करके भेजती है यहां पर सिस्टम नहीं पूछ रहा यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल सिस्टम फॉलो होता है या फर्स्ट पास द पोस्ट होता है वो वाला नहीं पूछ रहा कि वोटिंग किस तरीके से की जाती है ओपन वोटिंग होती है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए ठीक है स्टेट असेंबली में ओपन वोटिंग के अंदर बेसिकली जो है बोला जाता है कि जी जो जो भी मेंबर्स को वोट करना चाहता है वो अपने हैंड रेस करे तो ओपन वोटिंग होती है सिक्रेटिव वोटिंग नहीं होती एंटी डिफेक्शन लॉ ये आपके कौन से शेड्यूल के अंदर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ आपके टेंथ शेड्यूल के अंदर आता है अब ये पॉइंटर्स जो है ना ये एक मैं आपको बात बता वेरी क्विक लर्निंग पॉइंटर्स सिंगल ताकि दिमाग के अंदर रिविजन जो है वो होती टेबल ऑफ प्रेसिडें के अंदर कौन आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्विक रिवीजन लेक्चर नंबर वन के अंदर हमने uh, देखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं ये आते हैं आपके सिक्स रैंक पर और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो आते हैं नाइन्थ रैंक पर मैंने आपको कहा था कंफ्यूज नहीं होना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज दोनों अलग अलग रैंक होता है टेबल ऑफ प्रेजिडेंस में ठीक है फिफ्थ रैंक पर अब कौन आता है फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो पहले प्रेजिडेंट रह चुके हैं ठीक है जी उसके बाद जी जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने कहां से लिया है यूएसए से लिया है ठीक है तो ये जितने भी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बोरोइंग्स वाले फीचर है ना ये सारे आपको अल्टीमेटली रिवाइज करने हैं पेपर में जाने से पहले इनमें से एक आधा क्वेश्चन पॉलिटी में फंस जाता है ओके उसके बाद जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इलेक्शंस के साथ डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के जितने पार्ट्स हैं जितने शेड्यूल्स हैं ठीक है थीके? ये आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए पार्ट्स शेड्यूल्स प्रीएम्बल्स ठीक है ये आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या है कौन से शेड्यूल में क्या है तो इलेक्शंस का जो पार्ट है दैट इज पार्ट ओके okay. right. जो जब नई नई लोकसभा बनती है बेसिकली इलेक्शन होने के बाद जब पहली बार लोकसभा में मेंबर्स मिलते हैं तो उसको कौन प्रिसाइड करता है उस स्पीकर को बेसिकली क्या बोला जाता है स्पीकर प्रो टेम ऑल राइट नेक्स्ट है रिलेटेड टू नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 के अंदर आया था नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला इसने बेसिकली जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना प्रधानमंत्री का उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर एक लिमिट लगा दी स्ट्रेंथ के ऊपर लिमिट क्यों लगाई क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लगे थे लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए और क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी सारी पार्टीज को खुश करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट ही बहुत ज्यादा क्रिएट करी जाने लग गई थी तो इसीलिए नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट आया था दो में नंबर ऑफ अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखना है ईयर भी याद रखना है और इसके अंदर इन्होंने बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दैट कैन बी अपू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ठीक है जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का उसका 15 तक हो सकता है आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ओके नेक्स्ट प्रेजिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन एक्ट करता है दोनों के बीच में इंटरेक्शन के लिए सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज जो पार्ट सेवेंटीन के अंदर आप देखो ये पार्ट भी याद रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपका पार्ट पार्ट में है 15 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट हो गया आर्टिकल टू जो है ये आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के आ जाते हैं सो पॉलिटी को एक बार फटाफट से दोबारा से देखेंगे जो जो फैक्ट्स हमने देखे हैं वीटो पावर प्रेसिडेंट की इंडिया में एब्सोल्यूट सस्पेंसिव पॉकेट तीनों का मिश्रण है राज्यसभा में वोटिंग राज्यसभा के इलेक्शन uh, के लिए मेम्बर्स के इलेक्शन के लिए जो स्टेट असेंबली में वोटिंग होती है वो ओपन

प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक्ट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्ट है वो है पार्ट सेवेंटीन और हैं थ्री फोर्टी थ्री टू थ्री फिफ्टी वन अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के तो पहला फैक्ट है विच इंडियन लीडर बुक इंडियन नेशनल एवोल्यूशन इंडियन नेशनल एवोल्यूशन जो है ये अंबिका चरण मजूमदार की है इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था क्या देखा था कि ही थाड द कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 लखनऊ सेशन विच इज नोन फॉर लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इंडिया डिवाइडेड के ऑथर कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी इंपॉर्टेंट किताब है याद रखेंगे ओके okay. नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स प्लान टू अरेस्ट महात्मा गांधी एंड अदर मेजर लीडर्स बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज़ नोन एज ऑपरेशन जीरो आर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो जनरली बुक के अंदर आपके इग्नोर हो जाते हैं ठीक है ऑपरेशन जीरो आर क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले इमिजिएटली uh, पहले सारे जो लीडर्स हैं 8 अगस्त जो अगस्त क्रांति बेसिकली होनी थी उससे पहले ही सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये हमने अपने एमसीक्यूज में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम एंड अगेन इसको डिस्कस किया है ये किताब श्यामा जी कृष्ण वर्मा की जो लंडन में वो पब्लिश करते थे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किताब है जेम्स मिल की उसके बाद uh, कौन से इंडियन लीडर थे जिनको पॉपुलरली uh, आंध्रा केसरी कहा जाता था आंध्रा केसरी टी प्रकाशम ये यूपीएससी के अंदर एक बार क्वेश्चन uh, जो है वो पूछा भी जा चुका है आंध्रा केसरी के ऊपर ओके okay. किस पर्टिकुलर इंडियन लीडर को रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया एज देश नायक देश नायक तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ये टर्म जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने यूज किया था अगेन इंपॉर्टेंट है कौन से एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया बहुत आसान सवाल है मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स ऑफ उसके बाद जी गांधी जी ने कहा कि स्वराज एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा अगर देशवासियों ने उनके इस प्रोग्राम को अडोप्ट किया तो ये किस प्रोग्राम के लिए गांधी जी ने बोला था कि स्वराज एक साल में आ जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए उन्होंने बोला था कि अगर हम एक साल तक गांधी जी की सुनेंगे तो स्वराज विल बी देयर उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड फेमाइंस इन इंडिया ये किताबें हमने पहले भी देखी है, आर हैं आरसी दत्त की लिखी हुई किताबें हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक बार क्विकली दोबारा से फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं इंडियन नेशनल एवोल्यूशन अंबिका चरण मजुमदार की किताब है इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की ऑपरेशन जीरो आर ये वो ऑपरेशन था जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से पहले सारे इंपॉर्टेंट इंडियन कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किताब है श्यामा जी कृष्ण वर्मा की जेम्स मिल की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आंध्रा केसरी जो है वो टी प्रकाशम का पॉपुलर नेम था रबींद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को टाइटल दिया था देश नायक का मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर 1909 में गांधी जी ने स्वराज प्रॉमिस किया था एक साल के अंदर मिल जाएगा अगर एनसीएम को अडॉप्ट किया गया और इकोनॉमिक हिस्ट्री और फेमाइंस इन इंडिया जो किताब है वो है आरसी दत्त का इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो कौन नए सीईओ बने हैं नीति आयोग के रिसेंटली बीवीआर सुब्रमण्यम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं पूछे जाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं या एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आए हैं तो वो कहते हैं कि यार ये किस टाइप के क्वेश्चन अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया बट बेटा सिविल सर्विसेज में नहीं पूछता है लेकिन इस, इसके अंदर पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं रिसेंटली नेशनल एम्बेसिडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना थीम ऑफ सेवेंथ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो अभी uh, था एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया का रैंक इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में फोर्टी सेकेंड रैंक है हमने ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था सिक्सटी सेकेंड सेशन ऑफ यू एन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट में किसको चेयरमैन बनाया गया है रुचिराज कंबोज है वो यहाँ पर चेयरमेन है इंडियन है साइंस से रिलेटेड अब देखते हैं फटाफट से बायोफोकल लेंस कैन बी यूज एज ए रेमेडी ऑफ लेंस किस लिए यूज किया जाता है प्रेस बायोपिया के केस में का यूज किया जाता है ओके okay, उसके बाद बायफोकलूडनल मैकेनिकल वेव्स जो ट्वेंटी हर्ड्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी रेंज में होती हैं उनको ऑडिबल या साउंड वेव्स कंसीडर किया जाता है विच आर ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स ट्वेंटी हर्ट से नीचे या ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ऊपर द साउंड वेव इज नॉट यू नो फॉर द ह्यूम सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर है आपका पेंक्रिया कमेंट के अंदर बताएं कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से पूछा जा चुका है विटामिन बी ट्वेल्व एपीएफसी में आया था गेस या फिर एग्जैक्टली रिमेंबर दैट बट क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायमंड ग्रेफाइट से हार्डर होता है क्यों क्योंकि दोनों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है ओके कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स जो आपके कलरफुल आपको दिखती है ना दुनिया उसके लिए क्या बेसिकली uh, किस पर्टिकुलर सेल का ये फंक्शन है ओके okay, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होते हैं ये कहा से ओरिजिनेट करते हैं बोन मैरो कैविटी अगेन यूपीएससी के अंदर ईपीएफओ में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिकॉल ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एसिड जो विनेगर के अंदर होता है आपको मिलता है एसिटिक एसिड मैंने आपको साइंस के अंदर पहले भी बहुत बार टेबल कराया है ये एसिड और बेसिक वाले वो पूछता है कि इनमें से कौन सा एसिड है किसमें कौन से टाइप का एसिड मिलता है ये मैंने टेबल पूरे का पूरा आपको जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर कराया हुआ है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आ जाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली जल जन अभियान कहाँ पर लॉन्च किया था सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ठीक है उसके बाद फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इज अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन विद इट्स हेड क्वार्टर्स एट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इसको फी बोला जाता है ठीक है फी ओके okay, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करती है थ्रू एजुकेशन इसका है Copenhagen में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑफ बायोटिक सक्सेशन ठीक है बायोटिक जब सक्सेशन होता है तो सबसे पहले माइग्रेशन होता है न्यूडेशन एसिस रिएक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन दो इस क्वेश्चन को आप एओ वाले बच्चे तो इग्नोर कर सकते हैं लेकिन एपीएफसी वाले बच्चों को याद रखना है द ग्रेट क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल अमिताभ घोष की किताब है ओके okay. इकोलाइन जो बेसिकली चेंजिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के अंदर जब जाते हो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट एनालिसिस वर्ल्ड टाइगर डे जुलाई ट्वेंटी नाइन को सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑगस्ट बारह इंटरनेशनल पॉलर बियर डे फेब्रवरी सेवनटीन किओलेडियो नेशनल पार्क जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जिसको आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है जहाँ पर ये राजस्थान के अंदर है तो इन्वायरमेंट रिलेटेड तो ईजी थे मिसलेनियस के अंदर आ जाए कौन सी फिल्म को रिसेंटली दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का ऑनर मिला है ये दादा साहेब फाल्के के ऊपर पहले भी यू के अंदर ए ए पी एफ सी सी डी एस सी ए पी एफ इन टाइप के एग्जाम्स के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अंदर से क्वेश्चन आया है तो कश्मीर फाइल्स यहाँ पर आंसर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट टू थाउजेंड थर्टीन या दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इस साल किसको मिला डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके अब वो क्या हो गया मेटा हो गया इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है इक्कीस फेबर को ग्लोबल फैमिली डे एक जनवरी को बारहवीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर कंडक्ट की गई थी कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी इस बार फिजी में ओके okay. पहली महिला जो कमांड करेंगी एक फ्रंटलाइन इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिट को हर धामी क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर लिखवा करके ले लो शालीजा धामी के ऊपर ओके okay. उसके बाद सुरेखा यादव जो है एशिया की पहली लोको पायलट बनी सेंट्रल रेलवे के अंदर ये काम करेंगी अगेन काफी हाई चांसेस है पूछे जाने के डेनमार्क दुनिया का पहला देश बना जो सीओ टू को इंपोर्ट करेगा क्योंकि डेनमार्क ने कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे वो उस सी ओ टू को अंडर द सी जिसको वो अपना ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट बोलते हैं अंडर द सी सी ओ टू को स्टोर कर देंगे ताकि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको सॉल्व किया जा सके तो पहला देश है जो इम्पोर्ट करेगा सी ओ टू को उसके बाद नासा का ऐसा एक स्पेस क्राफ्ट जिसने वीनस के ऊपर वॉलकैनिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है मेगिलेन तो वो पूछ सकता है कि कौन सी आ, इन, स्पेस एजेंसी का है या किस प्लानट की स्टडी कर रहा है या क्या इसने रिकॉर्ड किया है इंपॉर्टेंट है फिर अभी रिसेंटली नाइन्टी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड न्यूज में थे और इंडिया में काफी ज्यादा इसका हल्ला भी हुआ था क्योंकि वन ऑफ द मूवीज फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द अवार्ड इन दिस पर्टिकुलर अकेडमी अवार्ड्स जिसको आप ऑस्कर भी बोलते हो तो इसमें वैसे तो बहुत लंबी सी लिस्ट होती है पर अपने को वो सारी लिस्ट याद करनी नहीं होती बेस्ट पिक्चर था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एट वन इसी मूवी में से ओके बेस्ट एक्टर थे ब्रेंडन फेजर द वेल से बेस्ट डायरेक्टर मिला डेनियल कॉर्न एंड डेनियल शिंक को एवरीथिंग एवरी एवरीथिंग एवरी वेयर ऑल एट वन के लिए ही बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू फॉर आर 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 ये मैंने आपको एमसी क्यूज के अंदर भी ऑलरेडी कवर करा दिया नाटो नाटो के डायरेक्टर वगैरह का नाम सब कुछ आपको याद होना चाहिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर वॉज नेवलिंग बस इतने भी अगर याद है ना आपको और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इनमें से पिक्चर गया है एक मूवी को एक्ट्रेस भी उसी मूवी के लिए गया है डायरेक्टर भी उसी मूवी के लिए गया है तो बहुत ईजीली याद हो जाता है पिछले क्विक रिविजन वन के अंदर हमने मेन्स आई को डिस्कस किया था यहाँ पर अब हम वुमेन आई देखेंगे तो बी ने ये पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग था इंडिया के अंदर तो इसको दो स्टेडियम्स के अंदर डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में और ब्रबॉन स्टेडियम मुंबई के अंदर कंडक्ट किया गया था चार मार्च से छब्बीस मार्च के बीच में ये हुआ था इसमें पांच टीमें थी जिसमें आपकी डेली कैपिटल्स थी सबसे पहले गुजरात जाइंट्स मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर एंड यूपी वॉरियर्स ये पांच टीम थी मुंबई इंडियंस ने पहला इनागरल ये टूर्नामेंट जो है वो जीता है और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट किया था फाइनल में हरमनप्रीत कौर जो थी वो स्पिक कैप्टन थे मुंबई इंडियन टीम्स की दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस को दोनों को जॉइंटली फेयर प्ले अवार्ड मिला है इसके अंदर उसके बाद यस्तिका भाटिया जो मुंबई इंडियंस की थी इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला हेले मैथ्यूज ये भी मुंबई इंडियंस थी इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और पर्पल कैप भी इनके नाम थी विच इज फॉर द हाईएस्ट विकेट टेकर मैग ग्लेनिंग जो डेली कैपिटल्स की स्कीपर थी इनको ऑरेंज कैप मिली फॉर द हाईएस्ट स्कोरर इन वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग तो ये याद रखना है ठीक है इनमें से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि पहला था फिर ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी न्यूज़ में था क्योंकि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ ठीक है वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो 2017 से पहले मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 होता था और 1987 के एक्ट में ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि जो मेंटली इल पीपल हैं वो उनको कैसे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ठीक करने के लिए लेकर के आया जाए बट

क्या राइट्स हैं राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव कि जब आप अपनी एक नॉर्मल स्टेट के अंदर हो तो पेशेंट बता सकता है कि अगर कल को मेरी हेल्थ किसी तरीके से मेंटल हेल्थ हो जाती है तो मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाए वो एडवांस में बता देगा राइट टू एक्सेस हेल्थ हेल्थ केयर केयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज लिव इन अ कम्युनिटी जरूरी नहीं है कि आपको बंद करके रखा जाए ठीक है हर तरह की मेंटल हेल्थ इज नॉट डेंजरस फॉर द सोसाइटी क्रूएल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से प्रोटेक्शन का राइट ओके राइट टू बी ट्रीटेड अंडर ट्रीटमेंट हो तो आप मना कर सकते हो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट इन्फॉर्मेशन का राइट कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट लीगल एड और कंप्लेन का राइट जो है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं तो ये राइट थोड़े से दिमाग के अंदर रख लेना की अगर वो पूछ लेके okay. उसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन और बोर्ड भी बनाया गया है जो एक क्वेशी जुडिशियल बॉडी होगी जिसका काम क्या होगा ये वेरियस प्रोसीजर्स को टाइम एंड अगेन रिव्यू करेगी डायरेक्टिव्स को टाइम एंड अगेन रिव्यू करेगी सरकार को एडवाइस करेगी कि कैसे मेंटली इल पर्सन के राइट right को प्रोटेक्ट किया जाए ठीक है साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी एग्रीमेंट साइन कर सकती है ताकि स्टेट्स के अंदर भी मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा सके नेक्स्ट ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की एक टेबल है जो अक्सर पेपर के अंदर वो पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर किस चीज से है तो नीचे से देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन है वो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है वर्गेस कुरियन को याद रखेंगे फूड ग्रेन्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर हैं एम एस स्वामीनाथन पोटैटो के लिए राउंड रेवोल्यूशन हम टर्म यूज करते हैं नो no, सच कोई फादर आपको याद करने की जरूरत नहीं है मीट प्रोडक्शन या टोमेटो प्रोडक्शन के लिए रेड रेवोल्यूशन टर्म यूज किया जाता है विशाल तिवारी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन कॉटन के लिए हम सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन टर्म यूज करते हैं एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन टर्म यूज करते हैं और इंदिरा गांधी इज नोन एज द मदर ऑफ एग दिस सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया अनियन प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन प्रोडक्शन के लिए पिंक रेवोल्यूशन टर्म यूज होता है दुर्गेश पटेल इज कंसिडर्ड एज द फादर फर्टिलाइजर के लिए ग्रे रेवोल्यूशन फ्रूट्स हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन निरपक तुतेज इज कंसिडर्ड एज द फादर जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन लेदर कोकोआ नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के लिए ब्राउन फिश के लिए ब्लू रेवोल्यूशन डॉक्टर अरुण किशन को फादर कंसिडर किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ब्लैक ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोडक्शन के के लिए लिए येलो सेम पित्रोडा इज एज द फादर ओके ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज को करते हुए इसको प्रोटीन रेवोल्यूशन बोला जाता है और ये जो टर्म है ये नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी ने कॉइन की थी प्रोटीन रेवोल्यूशन फाइनली एवर ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन एम एस स्वामीनाथन जी ने ये कंसेप्ट दिया है कि कैसे इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में और रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करते हुए हम ग्रीन रेवोल्यूशन को एनकरेज कर सकते हैं तो ये रेवोल्यूशन और इनके फादर्स ध्यान में रख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इजीली फंस जाएगा सो दिस वॉज इट गाइज फॉर द क्विक रिविजन लेक्चर नंबर टू आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर द चैनल एंड डू शेयर इट गाइस अगर आप चाहते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना इस चैनल का तो चैनल को शेयर जरूर करना और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे और आप लोग चैनल को शेयर करोगे ना तभी ये चैनल लॉन्ग टर्म के अंदर कंटिन्यू हो पाएगा अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है तो ऐसा करना नहीं अगर ऐसा लगता कि नहीं क्वालिटी कंटेंट है फिर तो शेयर सब्सक्राइब क्या रिपोर्ट कर दो जाकर के कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाय